Hello everyone, welcome to Testbook Super Coaching. Myself Aditi, you are UGC NET Home Science Faculty at Testbook. तो जैसा कि आपको पता है कि रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं और हमारे साथ जो है अंजलि एंड राखी हमारे साथ है और इन्होंने यहाँ पर नेट क्वालिफाई किया है 97% से. राखी ने किया है, अंजलि ने जो स्कोर किया है दैट इज 91%. एक्चुअली इट्स अ बिग अचीवमेंट बिकॉज यूजीसी नेट इज अ बिग जर्नी, इट्स नॉट अ स्मॉल जर्नी. और आप ऐसे सोचो कि एक बार में हम कुछ 2-3 महीना पढ़ के निकाल लेंगे, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स अ बिग जर्नी. सो यहाँ पर हमारे साथ अंजलि और राखी मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करेंगे रिगार्डिंग द जर्नी, यूजीसी की कैसी जर्नी रही है, कैसे इन्होंने एग्जाम को क्रैक किया है, कौन कौन से चैलेंजेस को फेस किया है. सो पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट राखी कि पहले आप ये बताइए कि आपने एक जर्नी आपकी कैसी रही, बिकॉज इट्स अ बिग जर्नी, इट्स नॉट अ स्मॉल जर्नी. सो व्हाट मेजर चैलेंजेस यू फेस्ड और व्हाट आर द थिंग्स यू वांट टू एड्रेस टू द स्टूडेंट्स, लाइक व्हाट अदर स्टूडेंट्स कैन फेस इफ दे एनरोल फॉर द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन. मैम फर्स्टली तो मैम सिलेबस इतना वास्ट है यूजीसी का कि पेपर टू ही इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा वास्ट है. उसमें 5 मिनट्स आपको कवर करनी पड़ती हैं. जो आपका फील्ड है वो तो आपका है ही, बाकी जैसे मेरा फूड एंड न्यूट्रिशन बैकग्राउंड है तो मेरे लिए फैब्रिक अलग हो जाता है बिल्कुल, जो मैंने कभी नहीं पढ़ा है, तो फिर वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो बेसिकली मैंने क्लासेस आपकी देखी, मैंने जो आपकी मैराथन्स होती थी वो भी मैंने देखी, वो काफ़ी यूज़फुल थी. जून वाला अटैम्प्ट भी दिया था तो वो काफ़ी अच्छा गया, बट हाँ वो लीक होने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ, बट ठीक है फिर दोबारा से प्रैक्टिस. वाज अ मेजर प्रॉब्लम फॉर ऑल. यस मैम. और बाकी मैम पेपर वन का बहुत बड़ा मेजर होता है, पेपर टू में हम जितना फोकस देते हैं, पेपर वन में जैसे डी आई ए, हम अब जैसे हम फूड एंड न्यूट्रिशन वाले स्टूडेंट्स हैं तो डी आई काफ़ी मतलब मैथ से टच छूट चुका होता है, तो डायरेक्टली 5 क्वेश्चंस आते हैं. अगर उसमें आपको मतलब आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो आप कर लोगे ईजिली, अदरवाइज वो पेपर वन जे आर एफ क्रैक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है. जैसे मेरा अभी स्कोर है 198 है, तो फ्यू मार्क्स से मेरा रह गया जे आर एफ, तो वही है कि पेपर वन और पेपर टू को इक्वली लेके चलना पड़ेगा. अब जैसे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो कट ऑफ हाई जा रही है, और इस बार तो काफ़ी ज़्यादा हाई गई है, तो यही है कि बस यही है प्लान कि पेपर वन के लिए भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और पेपर टू के लिए तो मैं आपको फॉलो करती हूँ. बाकी पेपर वन के लिए मैंने प्रीति मैम की भी क्लासेस देखी है, हायर एजुकेशन ICT वो काफ़ी अच्छा कवर कराते हैं, तो उससे मैंने काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह की है. एंड अभी दोबारा से मैंने रीस्टार्ट किया फॉर GRF के लिए, तो मैं उनको ही फॉलो करती हूं. सो व्हाट वाज द मेजर चैलेंज अकॉर्डिंग टू यू? मैम मेजर चैलेंज यही था कि मतलब कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, प्रैक्टिस करनी है डेली, क्योंकि पेपर वन में स्पेशली पेपर वन में नहीं पता चलता कैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, कैसे लाइक जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं वो एग्जाम प्रेशर वो विद इन 3 आवर्स आपको दोनों ही कवर करने हैं, तो अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो आपके वो क्वेश्चंस छूट जाएंगे. तो अनसीन पैसेज भी जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आपको मतलब अगर आपको लैपटॉप पे अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आपको काफी स्क्रॉल करने में भी काफी टाइम उसमें कंज्यूम हो जाता है, तो प्रैक्टिस जितना आप कर लोगे. सो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. यस मैम, प्रैक्टिस PYQ सॉल्व करना, प्रैक्टिस और डेली क्लासेस लगाना और मोस्टली नोट्स बना के पढ़ना. एंड पेपर टू एंड पेपर वन बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक डाउट रहता है कि हाउ टू बैलेंस पेपर वन एंड पेपर टू. मैम मेरा तो ये था, सिलेबस इज वेरी वास्ट. यस मैम. सो वी डू नॉट गेट सफिशिएंट टाइम टू बैलेंस दीस टू पेपर. सो हाउ यू बैलेंस योर पेपर वन पेपर टू? मैम जैसे एक डे में आप मतलब अपना बना लो रूटीन की पेपर वन के लिए आपको सुबह का आपका रूटीन, आपने सुबह आप DI वगैरह की आपने प्रैक्टिस डेली आप प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चंस आपको डेली प्रैक्टिस करना है. एंड देन पेपर टू के लिए आपको थोड़ा सा लेजीनेस फील होता है तो मैथ्स वाला पोर्शन आप सुबह के टाइम पे रखो, फिर आप अपना थ्योरी वगैरह पढ़ सकते हो. काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये बोलते हैं कि पेपर टू हमारा सब्जेक्ट है, वी ऑल कैन डू पेपर वन पेपर टू क्योंकि इट्स ऑल आवर सब्जेक्ट, वो फूड न्यूट्रिशन है, टेक्सटाइल है, हम सब कर लेंगे बिकॉज हमने इनमें मास्टर्स किया है. बट जब आप वहाँ पर पढ़ने बैठते हो तो व्हाट मेजर चैलेंजेस आपको जो लगते हैं कि स्टूडेंट्स को वो चीज़ टैकल करना चाहिए? मैम बेसिक क्या होता है ना, जब हम मास्टर्स कर रहे होते हैं तो हमें कुछ चीज़ें बेसिक भूल जाते हैं, जो हमारा बेसिकली UGC NET जो हमारा सिलेबस वगैरह है
वो इतने टफ क्वेश्चन होते नहीं है, बट हमें वहाँ पे लग रहे होते हैं कि मैं हम बेसिक्स हमारा टच छूट चुका होता है, तो वो बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि फोर ऑप्शंस होते हैं, हमेशा ही बच्चा टकता है दो क्वेश्चन के ऊपर कि दो में से एक पक्का आंसर होगा, बट वही अगर आपने सही कर दिया तो ठीक है। तो बेसिकली ये कि आपको बेसिक्स आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बेसिक अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो आप अपना कर लोगे, क्योंकि मास्टर्स अगर आप करके आए हो तो आपने हायर लेवल तक जैसे मेरा फूड एंड न्यूट्रिशन तो मैंने कर रखा है ये सब चीज़ें थोड़ी सी, बट ये है बेसिक्स, जैसे फैब्रिक हो गया हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है तो उसको हमें बेसिक से पढ़ना पड़ता है, बेसिक से तो थ्योरी क्लासेस पीवाईक्यू भी आपको हेल्प नहीं करेंगे अगर आपने बेसिक आपका क्लियर नहीं है तो। ओके मैम यही था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अंजलि आपके लिए है, जैसे आपने नेट क्वालिफाई किया, बहुत टाइम से मुझसे कनेक्टेड हो, सो सिर्फ इतना सा ही मतलब स्ट्रैटेजीज, आप बहुत टाइम से मेरे से कनेक्टेड हो, बहुत इट्स अ बिग जर्नी, हमारे साथ भी बहुत लंबी जर्नी रही है आपकी, सो आपने क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाई थी जब आपने पढ़ना शुरू किया था, क्योंकि सबसे बड़ा मेजर क्वेश्चन यही होता है कि हम कैसे पढ़े, कितना पढ़े, कब पढ़े, और बैलेंसिंग की तो बाद में बात है कि पेपर वन पेपर टू कैसे बैलेंस करना है, सो व्हाट वाज द इनिशियल स्ट्रैटेजीज कि आप इनिशियली कैसे स्टार्ट करते हो फॉर द यूजीसी नेट प्रिपरेशन। मैम जैसे ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें मैंने क्लियर किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गॉट 136 मार्क्स, तो मेरा कुछ मार्क्स से रह गया, तो मैंने वहाँ पे जो जो अपनी कमियाँ थी उन पे काम करना शुरू किया। लाइक मैं पहले क्या करती थी कि पेपर वन और टू में मैं बिल्कुल बैलेंस नहीं कर पाती थी, मुझे ऐसा रहता था ना कि लाइक पेपर टू तो मेरा अपना है मैं कर लूँगी, और पेपर वन मुझे ऐसा लगता था कि जैसे हम होम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, टेंथ के बाद मैथ्स नहीं पढ़ी तो मैथ्स और डीआई कहीं ना कहीं हमेशा लैग करता था, तो उसमें हमेशा प्रॉब्लम आती थी। तो फिर मैंने जैसे कुछ कुछ यूट्यूबर्स का जाके देखा, ऑनलाइन भी देखा पेपर वन के लिए, फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, फिर मुझे ना वो थोड़ा सा बैलेंस करना आया कि नहीं पेपर वन और पेपर टू में, और लाइक पेपर टू में जैसे मैंने मास्टर्स कर रखे फैब्रिक एंड अपैरल साइंस में, तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरा स्ट्रॉन्ग है, बट जब मैंने पेपर देखा तो वो पेपर में वो फैब्रिक्स के बारे में वो क्या क्या क्वेश्चन आ गया है, लाइक वो क्विल्ट भी, वो क्या क्या, मतलब वो भी बियॉन्ड, इतना पढ़ने के बाद भी, मास्टर्स करने के बाद भी कुछ कुछ फैब्रिक एंड अपैरल साइंस के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए जो आई वाज लाइक कि मतलब ये तो मुझे भी नहीं आ रहा है, लाइक इतना पढ़ने के बाद, मास्टर्स करने के बाद भी। और जैसे मैंने फैब्रिक में करा है तो मेरा फूड्स कहीं ना कहीं वीक था, जो कि आपकी वजह से काफ़ी स्ट्रांग हुआ मेरा, जैसे आपने पढ़ाया जिस तरीके से समझाया उससे मेरे को बहुत हेल्पफुल मिला। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने सोची कि लोग क्या करते हैं ना कि ठीक है आज मैं 8 घंटा पढ़ लिया, अगले दिन 2 घंटा पढ़ लिया, आज मन कर रहा है तो पढ़ लिया, आज नहीं मन किया तो छोड़ दिया, PYQs चलो आज कर लेते हैं कल नहीं किया, तो मतलब ये नहीं करना। देखो मैं ये नहीं बोलूंगी कि तुम्हें दिन में 10-10 घंटे पढ़ना है, 12-12 घंटे पढ़ना है, 15-15 घंटे पढ़ना है, तुम 6 घंटे पढ़ो, तुम 8 घंटे पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। लाइक अभी तुमने थ्योरी पढ़ी, ठीक है तुमने 3-4 घंटा थ्योरी पढ़ ली, अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बस अब नहीं जा रहा दिमाग में, नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है तुम लीव कर दो थोड़ी देर, आधा घंटे का ब्रेक ले लो, उसके बाद तुम PYQs लगाने बैठ जाओ जिससे कि तुम्हारा माइंड डाइवर्ट होगा, ठीक है। अब जैसे कि तुम थ्योरी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, तुमने कोई वीडियो लगा ली, वीडियो के थ्रू तुमने पढ़ना शुरू किया, जैसे मैंने खुद को ऑब्जर्व किया, मैंने ये चीज़ समझी कि मैं एक ऐसी लर्नर हूँ जो सामने वाले को देख के बोल के वीडियो से ज़्यादा सीखती हूँ एज़ कम्पेयर टू रीडिंग द बुक्स, तो मुझे नोट्स से पढ़ना उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता, हाँ लर्निंग बाय डूइंग। एंड जैसे आपकी वीडियोस देखी मैंने, ऑडियो विजुअल, जैसे कि हमने को मॉडल भी पढ़ा था कि अगर हम कुछ रीड करते हैं 20% याद रहता है, फिर हम उसको पढ़ के लिखते हैं तो हमें वो 50% 70% हमें याद रहता है, तो वो चीज़ मैंने खुद के बारे में सीखी। जैसे मैं अगर ना, जैसे कि आप हमारे टेस्ट वगैरह भी लेते थे, तो अगर मैं आपके नोट से पढ़ के जाऊँ तो मुझे ना वो मतलब पढ़ने में इतना इंटरेस्ट भी नहीं आता, लेकिन भाई मैं आपकी वीडियो लगा लूँ, भले 2x पे लगा लूँ, वो रिवीजन भी अच्छी हो जाती मेरी और मुझे समझ भी आता, और वो ऐसा होता था कि हाँ मैं लिख भी रही हूँ, हाँ ऑडियो एंड विजुअल वो दोनों तरीके से तो मैं ज़्यादा कनेक्ट कर पाती। तो अभी अगर जो कोई प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो मैं उसको ये चीज़ बोलूँगी कि अगर तुम यहाँ पे एनरोल करते हो तो तुम्हें ना कंसिस्टेंसी होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये बीच में मतलब स्किप करने का तो कोई चांस ही नहीं है कि हाँ, हाँ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी की, हाँ ठीक है 6 घंटे पढ़ रहे हो लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हो तुम लोग, रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया है तो तुम ये सोच रहे हो कि हाँ मैंने तो वो फर्स्ट यूनिट पढ़ी थी तो मैंने जून में पढ़ी थी वो तो मुझे भी याद है, लेकिन अब तुम जून के बाद जब उसको नवंबर में उठाओगे ना तुम्हें खुद ऐसे लगेगा अरे वो तो मतलब मैं कितनी चीज़ें भूल गई, मुझे खुद याद नहीं है, इनफैक्ट आपने जैसे हमें पढ़ाया था, आपने पूरा बैच लिया था तो मुझे अभी भी याद है कि आपने जब हमें शुरू में फूड्स पढ़ाए कितनी चीज़ें पढ़ाई, और जब आपने बाद में हमें रिवीजन कराई नवंबर में तो हम ऐसे थे कि अरे ये तो हमें आता था ये तो हम भूल गए, मतलब ये तो हमारा मतलब वो जो एक मेरा दिसंबर में अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ था उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और उससे मुझे फील हुआ कि हाँ ये चीज़ें मेरी कमियाँ थी इन पे मुझे काम करने की ज़रूरत है। और अभी भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे निकाल के रखे हैं कि हाँ मेरी यहाँ पे कमी रहेगी, जैसे कि मेरे को लगता है कि थोड़ा मैथ्स डीआई मुझे करना चाहिए तब जाके कहीं ना कहीं मैं JRF की मतलब थोड़ा सा क्लोज आऊँगी, जैसे अभी तो मेरा JRF है थोड़ा सा दूर, लाइक 8-10 क्वेश्चंस हैं मेरे, तब जाके मेरा JRF के पास पहुँचूंगी। ओके एंड राखी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि
जब आपने इस जर्नी में एंटर किया तो ऐसे कौन कौन से साइकोलॉजिकल चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए? बिकॉज हम बात करते हैं हर जगह एजुकेशन की, हम बात करते हैं कि कैसे हमने पेपर को टैकल आउट करना है, कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं, मैराथन प्रीवियस ईयर, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, हमें सब पता है, बट व्हाट आर द साइकोलॉजिकल चैलेंजेस यू फेस ड्यूरिंग योर यूजीसी नेट जर्नी? बिकॉज ये बहुत बड़ी जर्नी है और अभी आगे दिस इज नॉट अ बिग, मतलब एक बिग जर्नी है बट ये आपकी स्टार्टिंग है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपने इतने चैलेंजेस फेस करे, आप फर्दर आप पीएचडी के लिए जाओगे तो वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस होंगे। सो हम सभी चैलेंजेस की बात करते हैं, हम बैरियर्स की बात करते हैं, बट हम साइकोलॉजिकल चैलेंजेस के बारे में कभी बात नहीं करते हैं। तो आपने जब इस जर्नी में एंटर किया तो आपने मेन साइकोलॉजिकल चैलेंजेस को क्या कितने फेस किया और कैसे फेस किया? मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि सेल्फ बिलीफ कि मैं कर लूंगी, ये हमें डेली अपने आप को बताना कि मैं कर लूंगी। अब कंपटीशन बढ़ रहा है, काफी लोग गिव अप कर देंगे कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रहा है, हम वहां तक नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप सेल्फ बिलीव और आप सेल्फ डिसिप्लिन आप रहोगे ना, क्योंकि आपसे ज्यादा आपको खुद को कोई नहीं जानता है, आपको लोग मोटिवेट कर देंगे, यूट्यूबर्स हैं वो आपको बताएंगे आपको दोबारा से पढ़ना है, बट पढ़ना आपको खुद ही है, आपको नोट्स खुद बनाने हैं, तो आपको खुद पता है, आप एग्जाम आप अभी देखे आओ, अपने आपको सेल्फ एनालाइज करो कि मेरी कहाँ पे कमियां हैं। किसी का मैथ स्ट्रांग होता है, किसी का नहीं होता, किसी का होता है ना कि पढ़ लेते हैं पर पीवाई क्यों नहीं कर पाते, उतना रिटेन नहीं कर पाते, तो सबको पता है कि अगर मुझे थ्योरी पढ़नी है उसके बाद मुझे तुरंत पीवाई क्यों लगाने हैं। तो अब मतलब सबसे अच्छा बेटर वे है जो आपको कोई नहीं बता सकता, वो है आप खुद के साथ पहले बैठो, समझो कि मैंने क्या गलतियां की हैं, मैं कैसे इसको इंप्रूव कर सकती हूँ, और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कर सकती हूँ उस चीज़ को, क्योंकि हर कोई कर सकता है। मोस्ट डिफिकल्ट थिंग है कि आप खुद गिव अप कर देते हो, डर जाते हो, फिर आप मोटिवेटर आपने भी मोटिवेशन वीडियो देख लिया, अच्छा इसने कर लिया मैं भी कर लूंगा, वो मोटिवेशन दो दिन तक रहता है। तो आई वांटेड टू ऐड वन पॉइंट, जैसे कि नेट का, जैसे कि मैंने जितना एनालाइज किया कि इन ये लोग हमेशा पेपर इस तरीके से सेट करते हैं, लाइक 33% ईजी, 33% मॉडरेट एंड 33% जो हमारा टफ होता है। तो जो एक फर्स्ट आता है, जो एक बिगिनर होता है, वो जब पेपर देता है तो लाइक वो इजी वाला पार्ट कर लेता है, लाइक 100% मार्क्स ले आता है, तो उसको ऐसा लगता है कि मतलब बहुत इजी है ये, तो मैं इजीली कर लूंगा। हाँ लाइक मेरा कजन खुद कर रहा है, तो उसने भी फर्स्ट टाइम दिया तो ही वाज लाइक अरे तो बहुत इजी है, मैं तो इजीली कर लूंगा। लेकिन जब वो अंदर घुसते हैं, उसके अंदर वो जो जर्नी इंक्रीज होती है, तो उनको रियलाइज होता है कि नहीं ये नहीं है, ये कुछ है। तो मैं ये बोलूंगी कि तुम ये मत सोच के चलो कि एक बार मैंने अटेम्प्ट दे दिया तो बहुत इजी है, वो 33% वो जानबूझ के वो इजी ही होता है। तो इस तरीके से तुम अपने इनिशियल में वो आपको कंफर्टेबल करते हैं, कंफर्टेबल फील कराते हैं, ताकि स्टूडेंट्स जो एकदम से हाइपर ना हो जाए या एकदम वो डर ना जाए, नर्वस ना हो जाए, इसलिए वो इनिशियली क्वेश्चंस आपको हमेशा इजी देते हैं। ओके, एंड इमोशनल चैलेंजेस। मैम इमोशनल चैलेंजेस तो मैम यही है, मतलब क्योंकि यहां पर हम एजुकेशन सेक्टर में वी नेवर टॉक अबाउट इमोशनल चैलेंजेस। एग्जैक्टली मैम, सो क्या इमोशनल चैलेंजेस? क्योंकि 6 महीना, 1 साल पेपर लीक हुआ, फिर उसके बाद 6 महीना एक्सपेंड हो गया, और अभी भी दिसंबर का वी आर नॉट श्योर अबाउट द एग्जामिनेशन, बिकॉज वो जनवरी स्टार्टिंग तक भी हो सकता है और होपफुली वो दिसंबर में हो ही जाएगा। तो इमोशनल चैलेंजेस के बारे में कोई बात नहीं करते हैं, तो क्या क्या इमोशनल चैलेंजेस आप लोगों ने फेस करे? मैम मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि जैसे भी ये डिले हुआ एग्जाम, फिर आंसर की आने में ही इतना टाइम लग गया, तो पेशेंस, तो हमने सिर्फ पिछली कट ऑफ देखी, तो मुझे भी था कि मेरा फाइनल हो जाएगा इस पर क्लियर, जीआरएफ तो फॉर श्योर हो जाएगा, कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, बट नहीं हुआ, बुरा लगा, 2 क्वेश्चंस रह गए, नहीं हो पाया तो कट ऑफ बढ़ गया। तो वो आप खुद, क्योंकि बच्चे ने मेहनत की होती है ना, तो आपको पता रहता है कि आपने बहुत मेहनत की थी, नहीं हो पाया, कट ऑफ बढ़ गई, वो आपके हाथ में नहीं है। कैंडिडेट्स बढ़ गए, एक और इन्होंने वो पीएचडी ओनली वाली कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस कर दी, तो ठीक है बुरा लगता है, पर हाँ आप मतलब टैकल तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप 4 दिन उसी फेज में रहो कि नहीं, पढ़ना तो आपको खुद ही है, जितना जल्दी आप उठा लोगे बुक्स वगैरह, टाइम पीरियड भी कम कर दिया, लाइक पहले अगर नेट क्वालीफाई होता तो 3 इयर्स के अंदर अपना एडमिशन लो, आपका स्कोर वैलिड रहेगा, 1 ईयर के अंदर आपको करना है, तो 2 इयर्स के अंदर करना है, वो भी कहीं ना कहीं तो डिफिकल्ट। तो मैम जर्नी काफी हो गई है, अब जो ग्रेजुएट है वो भी अपना पीएचडी, और अब नेगेटिव मार्किंग एंड सिलेबस चेंज का भी कुछ आइडिया नहीं है, बिकॉज तो यही है मैम, थोड़ा क्लियर नहीं है तो थोड़ा बच्चा डीमोटिवेट हो जाता है कि इससे अच्छा हम कुछ और कर लेते हैं इजी वे, क्योंकि मैम हार्ड वर्क की तरफ ना बहुत कम बच्चे जाते हैं, और मैम बीच में ऐसा हो जाता है तो डीमोटिवेशन आ जाता है, जैसे जून में एग्जाम दिया, जून का पूरा अभी तक डिले होके अभी रिजल्ट आया है, तो कुछ किसी को होप थी, किसी एंड एक चीज है कि टेस्टबुक ने आपके कितनी मदद की है मैम, बहुत ज्यादा मैम, मैंने यूजीसी नेट को क्रैक करने के लिए मैम पेपर वन भी मैम मैंने जो ले रखा था सब्सक्रिप्शन में, मैं डेली वहां से प्रैक्टिस करती थी, क्योंकि टेस्टबुक जो ऐप मतलब है बिल्कुल सेम यूजीसी नेट, जैसे ऑनलाइन लेता एग्जाम वैसे ही होता, टाइमर वगैरह के साथ आप
मतलब आपको पता चल जाता है आपकी कमियां कि आप विद इन टाइम के अंदर कर पा रहे हो, वो मैम ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि विद इन टाइम के अंदर आप क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर रहे हो, कौन से और सोर्सेज आपने यूज करे, जैसे आप हमारे साथ तो पढ़ ही रहते बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो बुक्स को भी बोलते हैं कि हम बुक्स को प्रेफर करें, लाइक टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग ने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था जो जून वाले एग्जाम के लिए उन्होंने ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाया था जो की बहुत अच्छा था, जिससे हमें पता चला की हाँ हमने कितना स्कोर कर रखा है, कितना हमें और मेहनत करने की जरूरत है, हम कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिला था, लाइक बहुत अच्छा एक्सपोजर दिया था वो टेक्स्टबुक ने। हाँ, दैट वॉज अ गुड इनिशिएटिव एक्चुअली, क्योंकि जब वो ऑफलाइन मोड में एग्जाम की बात हुई थी तो ऑफलाइन मोड में स्टूडेंट्स को नहीं पता चल रहा था कि कैसे हमें ऑनलाइन शीट फिल करना है, कैसे उसको टैकल आउट करना है, एंड टेक्स्टबुक ने मतलब आप जैसे मैराथन्स वगैरह लेते थे, YT sessions वगैरह लेते थे, तो सिर्फ आपने इनकी मदद से ही प्रैक्टिस कर करके और मैम मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग मैम, जैसे एग्जाम नहीं आ रहा था, मतलब रिजल्ट नहीं आता, उसके बाद मैंने देखा टेस्टबुक फैकल्टी मतलब काफी ज्यादा कोऑपरेटिव होके मैम स्टूडेंट के साथ खड़े होके, प्रतिमन सर मतलब बहुत ज्यादा मैंने देखा उनको बहुत सपोर्ट में, जैसे कुछ बच्चों का रिजल्ट स्कोर कार्ड में बेकार आया है तो टीचर्स इतने इन्वॉल्व नहीं होते हैं क्योंकि बच्चों का बच्चे कितना फाइट करेंगे, तो वो स्पेशली खुद जाके मीट, इनफैक्ट प्रोटेस्ट वगैरह सर ने काफी, हमने देखा था सर ने प्रिंट आउट निकलवा लिए थे कि वो नेक्स्ट डे रिजल्ट आ गया तो बात अलग है, तो इतना मैम इन्वॉल्व बच्चे के साथ कोई नहीं होता इतना मैंने देखा है, क्योंकि मैम जब एग्जाम लीक हो गया उसके बाद भी आप लोग प्रोटेस्ट करने के लिए मतलब बच्चों को काफी आपने बोला था कि आप भी ज्वाइन करो हमको, क्योंकि टीचर्स को क्या है उनको हम लोगों को भी अच्छा नहीं लगता ना किसी के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करना, क्योंकि हम लोग भी इसी फेज से आए, हमने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे हैं, तो इसलिए हम लोग को अच्छा मेरा मैं मानना यही कि बेस्ट टीचर मैम वही होता है जो मैम स्टूडेंट्स का समझता है कि उसके साथ रहता है, क्योंकि मैम सबका अपना अपना वो है, उन्होंने पढ़ा दिया कंटेंट तो कोई भी पढ़ा सकता है, कंटेंट कोई भी पढ़ के पढ़ा सकता है, बट एक टीचर वही होता है जो तुम्हें हर तरीके से तुम्हारी हेल्प करे, होलिस्टिक डेवलपमेंट में तुम्हारी हेल्प करेगी, तो मैम वही प्रॉब्लम है, एक फैमिली मैम एक बॉन्ड बन जाता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है जर्नी के अंदर तो आप उनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो कि आप वो आपके लिए है, अदरवाइज मैम बहुत सारे ऑनलाइन लाइक अ फैमिली ओनली, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, आपको तो मैं सिर्फ एक टीचर नहीं एक फ्रेंड की तरह, एक गाइड की तरह, मेंटोर की तरह, मैंने तो आपको उसी दिन मैसेज किया था उस पे टेलीग्राम पे कि मैम मेरा एग्जाम काफी अच्छा गया है, तो मैम वही चीज होती है कि वी आर लाइक अ फैमिली, वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू, ऐसा नहीं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो हम पीछे हट जाएंगे, हम अवेलेबल नहीं, वी आर ऑलवेज अवेलेबल, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है एग्जाम बच्चा देके आता है, उसके बाद बाकी का जो प्रोसेस है डिले हो रहा है एग्जाम, क्योंकि मैम हमारे पास इतने लिंक्स नहीं होते, सोर्स नहीं होते हैं, बाकी जो टीचर्स है वो हेल्प करते हैं, तो वही है मैम सबसे ज्यादा अच्छा, अभी जिन बच्चों का स्कोर कार्ड में वो आ रही है दिक्कत आ रही है तो सर गए उनको काफी सपोर्ट मिला होगा, वरना मैम अदरवाइज अकेले आप जाओगे तो आपको एंट्री नहीं देंगे, तो ये चीज एंटरटेन नहीं करेंगे आपको, ये चीज है मैम मेन सपोर्ट इस चीज का रहता है, तो आपको ट्रस्ट होता है टीचर्स के ऊपर, मैम बाकी भी यूट्यूब मतलब है टीचर्स पर वो यही कहते हैं कि नहीं अब जो मैम जिन बच्चों का हो गया वो तो अच्छा, जिन बच्चों का रह गया उनके साथ भी तो आपको रहना है, उनका ज्यादा उनको ज्यादा सपोर्ट चाहिए, एग्जैक्टली मैम, तो वही है, ठीक है, and anything you want to add up? मैं बस यही है कि जितना पढ़ाई जो किया अब स्टूडेंट यूजीसी के दिसंबर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द जेआरएफ और नेट, सो आप उनमें कुछ एड अप करना चाहोगे, उनको कुछ बताना चाहोगे? मैम यही है कि कंसिस्टेंसी बना के रखें और थोड़ा सा माइंड को मेकअप करके चले कि अब एग्जाम टफ हो गया है, एंड यस टेक्स्टबुक के साथ भी जुड़े हैं, हां टेक्स्टबुक के साथ तो डेफिनेटली जुड़े हैं, आपकी बोलना चाहूंगी कि आप जब करो तो PYQs इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, आप हमेशा हर साल के कम से कम मेरी नजर में तो आप 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चंस निकाल लो और उसमें से जो टॉपिक्स है देख लो कि कौन कौन से टॉपिक मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं, वो उनको निकालो, उन टॉपिक्स को पढ़ो, उनकी बार बार रिवीजन करो, जैसे मैं अपना बताऊं तो मैंने कम से कम 2-3 बार रिवीजन करी थी, तो प्लीज आप भी इस तरीके से करो तो आपका भी पक्का क्लियर होगा, और कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट, रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपका भी डेफिनेटली क्लियर होगा, ऑल द बेस्ट यू गाइज, चलो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड सो मेनी थिंग्स एंड वी शुड वाइंड अप नाउ, एनीथिंग यू वांट टू ऐड अप और नो? Yes, ma'am, thank you. Thank you. So I would like to congratulate aapko Rakhi and Anjali, aapko bhi. Celebrate karo apne success ko apne family ke saath. And it's nice to meeting you. Ki yahan par aap log aaye, itna initiative liya. Bahut sare students hote jo initiative hi nahi lete aane ka. तो वो घर पे रह के एंजॉय करते हैं या अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं, हम सारी सक्सेस सेलिब्रेट साथ में ही करते हैं, इवन ऑन यूट्यूब मैंने सेशन भी लिया था सक्सेस सेलिब्रेशन का, सो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर फैमिली एंड थैंक्स फॉर कमिंग हियर, थैंक यू।